किसी ने एक सवाल किया था कि इफ समबडी विशेस यू हैप्पी बर्थडे व्हाट शुड वी रिप्लाई. आई नो इट्स बिदा, मतलब उन्होंने सवाल किया कि मैं जानती हूँ कि सालगिरह मनाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे विश करता है तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ. देखिए, सालगिरह मनाना चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा वगैरह दीगर सलफ सालिन से साबित नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं. लेकिन जाहिर सी बात एहतसाब के अतबार से अगर आप पैदाइश की तारीख को याद रखें, एहतसाब समझते ज़िंदगी का कितना वक्त गुजरता चला जा रहा है, तो लिहाजा अगर उस एहतसाब के अतबार से आप चीज़ों को समझते हुए ये अंदाज़ा लगाते कि आज मैं 20 साल का हो गया, आज 22 साल का हो गया, आज 25 साल का हो गया, आज 30 साल का हो गया, मेरी ज़िंदगी 30 साल चलेगी, मैंने क्या किया, एहतसाब के अतबार से अगर याद रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप याद रखें उस तारीख़ को कि मैं पैदा हुआ था. या बच्चों को भी आप कहें कि देखो बेटे तुम इस तारीख को पैदा हुए थे शमसी एतबार से, सूरज के अतबार से, लूनार कैलेंडर थोड़ा अलग होता है, तो अभी इतने ज़िंदगी का वक्त चला गया, क्या किया तुमने, आगे देखो क्या करना है, मनसूबा बनाओ, प्लान बनाओ, नेकियों में इजाफा करो, ये तो दुरुस्त है. तो उसी जमन में अगर कोई आपको रिमाइंडर दे दे रहा है ऐसा कि आज आपकी बर्थडे, मतलब इतने ज़िंदगी के साथ चले गए, तो आप क्या करें, तो और आप उसको एहतसाब के माने में ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं उस शख्स को कि आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे और नेक अमाल के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो ज़िंदगी में अमल किया हो उस पर उसको कबूल करें. एक जनरल बात है, मैं कोई नहीं कर रहा हूँ ये सुन्नत से साबित है वगैरह, लेकिन अगर वो रिमाइंडर दे रहा है आपको ताकि आपको रिमाइंडर मिल गई करें आज मेरी पैदाइश का दिन है और आज मैं इतने साल का हो चुका हूँ, और उस पर आप फिर ये कह रहे कि आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी मुझे और ज़िंदगी दें, लेकिन नेक और सालेह आमाल के साथ जीने की तौफीक अता फरमाएं और मुझे जो है जो आमाल मैंने किया कबूल करें, तो ये एक अलग बात है. लेकिन आप ग्रीटिंग ख्वाहिश ना करें लेने की, कोई दे दे तो इस तरह से आप वो कर सकते ताकि एक एहतसाब हो, एक रिमाइंडर कॉल हो और उसके साथ दुआ भी हो जाए कि अल्लाह पिछले अमल को कबूल करें. क्योंकि होता ना कैलेंडर ऐसा है, आप टैक्स पे कर रहे थे कैलेंडर ईयर होता है, आप कोई काम करते तो याद रखते कि इतने साल पहले घर बनाया था, तो वही एक एहतसाब के लिए तो आप वो कह सकते कि अल्लाह जो अमल किया कबूल करें और आगे मुझे ज़िंदगी दे, साले अमल के साथ जो है ज़िंदगी दे और नेक अमल करने की, तो ये कह सकते हैं इसमें इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ ऐसा एक जनरल बात कहने में इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए. डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने. रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें. जज़ाकअल्लाह.